हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्यदेवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी जो वेरिएबल है उसको किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आपको चेंज करना है तो अपन किस तरह से करेंगे उसको अपन आज की वीडियो में देखने वाले। कोई भी सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन दी हुई है उसके जो वेरिएबल है उनको किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या मेथड रहेगा उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब भी अपन यहाँ पे बात करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं d2y/dx2, यही लिखा जाता है। इसका मतलब y जो है वो किसका y जो है वो एक्स का फंक्शन है, यही माना जाता है। इसका मतलब y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ गए। अब देखिए उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज है वो उनको अपने को किस तरह से मतलब जो ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको चेंज करना है, यानी x की जगह मुझे कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लाना है। तो मैं मान लेती हूँ कि x को मुझे किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से अपन इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो इक्वेशंस गिवन होती है उसको देखते हैं अपनी। तो अपनी इक्वेशन जैसे मानो नॉर्मली जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है वो इस तरह से गिवन होती है d2y/dx2+p/dy/dx+qy=r, यही गिवन होती है। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है अपनी, ठीक है। इसको अपने को z में चेंज करना है, यानी y को z के फंक्शन में। तो x को z में जब अपन परिवर्तित करेंगे तो d2y/dz2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस p1/dy/dx प्लस q1y=r1। अब देखिए p1 क्या होता है, q1 क्या होता है, r1 क्या होता है, इनको देखते हैं अपन। तो p1 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है अपनी, यहाँ पर जो z जो है वो अपने को फाइंड आउट करना होता है। पहले अपन अपने पास में यहाँ पे दो तीन मेथड रहेंगे जिनकी हेल्प से अपन जेड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे p1 की वैल्यू रहती है d2z/dx2, ये वैल्यू होगी पहली, प्लस p dz/dx/dz/dx2। ये अपने p1 की वैल्यू है, ठीक है। आगे जो q1 है उसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। q1 की वैल्यू होती है q/dz/dx2, ये रहती है। और r1 जो है उसकी वैल्यू रहती है r/dz/dx2, ये वैल्यूज यहाँ पर रहती है। तो इनको देखो कैसे सॉर्ट आउट अपन कर सकते हैं। तो देखिए इनको अपन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो z अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसके लिए देखिए z की वैल्यू को निकालने के लिए अपने को यहाँ पे मेथड्स का यूज़ करना होता है। अपन किसी कंडीशन में यहाँ पर q1 को वैल्यूज, या तो यहाँ पर अपन q1 को मानते हैं या फिर यहाँ पे p1 को मानते हैं। यहाँ पे q1 जो है उसको किसी कांस्टेंट वैल्यू के या किसी वेरिएबल के बराबर रख के अपन जो है वो आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको अच्छे से, इसमें कैसे किस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे अपने पास इक्वेशन गिवन है d2y/dx2+2cot x, जीरो, ये वैल्यू अपने को गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से अपन देखिए p की वैल्यू लिखेंगे तो p की वैल्यू है cot x, q की वैल्यू है 4 cosec square x,
और r की वैल्यू है 0। तो अपने को सीधा सीधा ही दिख रहा है, अगर r की वैल्यू 0 है देन इन केस r1 भी कैसा रहेगा, अपना 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब अपने को p1 और q1 निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं जानती हूँ q की जो वैल्यू है, इससे अपन क्या निकालेंगे, आंसर को निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू है उसमें मैं क्या लेट कर लेती हूँ, क्यू को मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पे 1। क्यू वन को यहाँ पे मैं क्या मान लेती हूँ, 1 मान लेती हूँ, क्यू वन बराबर 1। ठीक है, तो क्यू वन को जैसे ही मैंने 1 लेट किया, क्यू वन बराबर क्या होता है, क्यू बटा डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, यहाँ पे वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या है, क्यू, क्यू यानी 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इनके स्क्वायर हटा देते हैं तो अपने पास क्या आएगा, डी जेड बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, 2 कोसेक एक्स, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से अपन जब जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक एक्स का क्या होता है, समाकलन, सॉरी अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा जेड की वैल्यू आ जाएगी 2 लॉग टेन एक्स बाई 2, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई। अब अपन पी वन और क्यू वन की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लेट कर ही ली है और आर वन की वैल्यू 0 है ही। तो देखिए इक्वेशन बनाएंगे, तो पहले पी वन की वैल्यू निकालते हैं। पी वन की वैल्यू क्या होती है, पी वन बराबर होता है डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स बटा डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही रहता है। तो देखिए डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, जेड का अपने को क्या करना है, यहाँ पे दो बार अवकलन करना है, तो यहाँ पर आएगा अपना क्या, डी जेड बाई डी एक्स कितना आया अपना, 2 कोसेक एक्स आया। तो इसका जब मैं दोबारा अवकलन करूँगी, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगी, तो आएगा माइनस 2 कोसेक एक्स सेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स कोट एक्स, सॉरी कोसेक एक्स के साथ क्या आता है, कोट एक्स आता है, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और अब इसको सरल कर लेते हैं। तो पी की वैल्यू क्या थी अपनी, कोट एक्स थी, तो कोट एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 कोसेक एक्स बटा डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हटा लेते हैं और यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब अपन पी वन की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस 2 कोसेक एक्स कोट एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे है 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो पी वन बराबर क्या आ गया अपना, 0 आ गया। पी वन बराबर 0, क्यू वन बराबर 1 और आर वन बराबर कितना है, 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इनको अपन जो अपन ने दूसरी समीकरण मानी है उसमें अपन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, डी टू वाई बाई डी जेड, अब जो इक्वेशन आएगी वो किस में आएगी, जेड में आएगी। तो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी जेड बाई, तो पी वन वाला टर्म 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, ये लिखा जाएगा क्यू वन वाई, तो ओनली वाई और बराबर 0, ये वैल्यू यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास में सी एफ और पी आई की हेल्प से, तो देखिए अपन सी एफ और पी आई को निकालते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सी एफ निकालने के लिए अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए पी आई तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि बराबर में 0 है, तो ओनली यहाँ पे क्या आएगा, सी एफ आएगा। तो सी एफ के लिए सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एम स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस 1, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आइटा यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर अपना जो सॉल्यूशन होगा, वाई बराबर
अब ये जो फंक्शन है वो जेड का है, तो ये ध्यान रखिएगा एक्स नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, जेड आएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सी वन कोस जेड जेड प्लस सी टू साइन जेड। ठीक है, इस तरह से अपन ने कोई भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने जेड की वैल्यू निकाली हुई है, तो जेड की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो अपना आंसर है आ जाएगा। ठीक है, जेड की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 2 log 10 x by 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c1 cos log 2 log 10 x by 2 plus c2 sin 2 log 10 x by 2। ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा, अपने इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी जो इक्वेशन है उसको किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करके अपन आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट करके यहाँ पर इस मेथड से अपन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, कि कोई भी जो वेरिएबल गिवन है उसको किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अपन किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं और किस तरह से इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।